अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले दो महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगी, चाहे मेरी तलाश अधूरी क्यों ना रह जाए। यू सोच सोच कर परेशान होना ठीक नहीं। यू विल बी सफोकेटेड। यू मस्ट गेट बैक टू वर्क। उन्हें छोड़कर नासिक आ गई है, आंटी के पास रहने लगी है। इस घर को चलाने से लेकर आपके इलाज का पैसा भेजती रही है सिमरन। इस घर में जो भी आप देख रही है ना, ये सिमरन की बदौलत है। अरे भाइयों तक का खर्चा देती है वो। अरे आप लोग यहाँ? पूना, अच्छा बतुआ भी, ये लोग आस्था के सामने पता नहीं क्या झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। बताइने इतने सालों मेरा खर्चा किसने उठाया, किसने मेरा ख्याल रखा? पूनम, आज सच बताने का वक्त आ गया है। ये जो सिमरन से दुश्मनी कर रही है ना, कह दो इनसे कि अगर आज जिंदा है तो सिमरन की वजह से। आंटी, अब आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी मैं, लेकिन डॉक्टर सिमरन ने मुझसे प्रॉमिस ले लिया था। पिछले दिनों मैं सोच रही थी कि मैं वादा तोड़ूं या ना तोड़ूं। आपने सोचा क्या एक नर्स की सैलरी से ये लाइफस्टाइल, आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? आप जब जो चाहती हैं आपको मिल जाता है, कैसे? डॉक्टर सिमरन हर महीने मुझे चेक भेजती है आपके लिए। में उस औरत ने मुझे पैसे दिए ताकि सारी दुनिया मुझे एहसान फरामोश कहेगी। That woman is so manipulative. आस्था बेटा, डॉक्टर सिमरन ने पैसे देके तुम्हें खरीद लिया है, जाओ उसके पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी नानी के पास रहूंगी मैं। सुन लिया आपने? आस्था कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास रहेगी। सिमरन की बड़ी तरफदारी करने आया, उसके एहसानों के तले दबे हुए हैं आप, लेकिन मैं किसी से नहीं दबती। बहुत हो गई आप लोगों की बकवास। यू मे गो नाउ। मिला, बच्ची हो, डर लगता है तुम्हें? अगर मम्मा को कुछ हो गया तो क्या करोगी? मर जाऊंगी और क्या। मेरी बच्ची मर जाएगी। ऐसी बातें नहीं करते मेरे बच्चा। चलो उठो।
बीबी के दादाजी दादी आए इस वक्त। मम्मी जी, पापा जी, इतनी रात को आप मुझे घर बुला लिया होता। बेटा, हम घर से नहीं, नासिक से लौट कर आ रहे। आप नासिक क्यों गए? बेटा, हमें लगा कि आस्था हमारी बात मानकर। पापा जी, आस्था इतनी जल्दी नहीं लौटेगी, हमें अपने बच्चे को थोड़ा वक्त देना होगा। लेकिन बेटा, राधा जी का उस पर जो असर पड़ रहा है वो ठीक नहीं। 2 दिन का असर इतना गहरा तो नहीं हो सकता ना पापा जी, कि 18 साल का प्यार मिटा दे। बेटा, यहाँ होती तो बात अलग थी, लेकिन नासिक में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने की बजाय बढ़ती जाएगी। तो फिर पापा जी, मुझे में कोई गलती होगी। अगर मेरी बच्ची को मुझ पर ही विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे प्यार में कोई कमजोरी होगी पापा जी। That she's feeling so insecure. ऐसी बात नहीं है बेटा, बच्चों में बचपना होता है तभी तो बच्चे कहलाते हैं। कितनी अजीब बात है, यहाँ बाहर से आई हुई बच्ची सी है, उसे हमदर्दी है मुझसे, और यहाँ मेरी अपनी बच्ची। आप मुझे एक बार मिले होते तो मैं अपनी नई सिमरन आंटी की तकलीफ भी आपको बताती। जरूरत है हमें आपकी, कुछ तो करना ही होगा। We just can't waste time. सिया। हाय सिया। सिद्धांत, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो। मुझे अपना काम खत्म करने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, जाने मेरी माँ मुझे कब मिलेंगी। लेकिन सिमरन आंटी और आस्था क्यों अलग अलग हैं? क्या आंटी को अपने दुख के साथ जीना पड़ेगा, यूं आस्था की नफरत बर्दाश्त करते हुए? वही तो बात है सिया, ये आस्था कब समझेगी। मैं आस्था को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ सिद्धांत, उसका दुख, उसका गुस्सा, उसके सवाल, सब। बस उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू नासिक एंड टॉक टू हर। क्या तुम मुझे वहाँ का एड्रेस दे सकते हो? वेल सिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? या ओके, कल हम साथ में ही चलते हैं। ओके, गुड नाइट। दुनियादारी छोड़कर पापा, यू आर अनस्केपिस्ट। आस्था अच्छी तरह जानती है कि डॉक्टर सिमरन उसकी मां नहीं है। But that's good in a way. It's good कि सिमरन ने उसको सब कुछ
कुछ बता दिया, ये सारी चीजें बाद में चल के बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं भवानी। तुम जैसा समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है। आस्था डॉक्टर सिमरन से नफरत करती है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये आस्था नासिक में? पूनम ने बताया। डॉक्टर सिमरन ने आस्था को कुछ बताया नहीं, आस्था को कहीं और से मालूम पड़ा। फिर क्या था, आस्था भागकर नासिक चली गई। सच कहता हूं, अगर आस्था राधा जी के साथ रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूनम ने बताया मुझे कि राधा जी आस्था को सिमरन के खिलाफ कैसे भड़का रही है, और जब सिमरन जी उसे लेने गई तो सिमरन जी को बुरा भला कहा, नेहा की मौत का जिम्मेदार ठहराया, अनाप शनाप बकती रही। और पूनम ने डॉक्टर सिमरन की जो हालत मुझे बताई है वो मैं सुन भी नहीं सका। और इन सबके जिम्मेदार तुम हो। इस तरह देखो मत, तुम्हें क्या हक था, हाँ क्या हक था तुम्हें इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का, बोलो। बैठो आराम से, बैठो, अपने पापों के प्रायश्चित का नाटक करो, किताबें लिखो, कॉलम लिखो, मटके बनाओ, पेंटिंग करो, और उन्हें जीने दो वो जिल्लत भरी जिंदगी जो तुम उन्हें देकर आए। आस्था, क्या अब हमारे बीच दोस्ती का भी रिश्ता नहीं रहा? आस्था, मैं सिद्धांत की तरह तुम्हारी करीबी दोस्त तो नहीं, पर शायद उससे कहीं ज्यादा तुम्हें अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वही मेरे साथ हुआ है। आस्था, सिमरन आंटी ने तो तुम्हारी मामा की लास्ट विश पूरी करने के लिए तुम्हें गोद लिया, लेकिन मेरी मामा ने मेरी कीमत चुकाकर गोद लिया। बहुत गुस्सा आया था, बहुत दुख भी हुआ ये जानकर, लेकिन फिर लगा कि परवरिश तो अपनी औलाद समझ के की ना, कभी कोई फर्क नहीं किया। आस्था, तुम जिसे अपनी माँ कहती हो उससे कहीं ज्यादा सेक्रीफाइस किया है सिमरन आंटी ने तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए वो मिसेज अभिमन्यु सक्सेना बन गई, जबकि तुम्हारे पापा तो शादी के दिन ही छोड़ के चले गए थे। इतनी सी बच्ची को गोद में लेके इतना बड़ा किया उन्होंने, तुमसे क्या रिश्ता था जो आज भी निभा रही है वो? ठीक है, मान लूंगी, कभी चुका दूंगी उनके एहसान। माँ का एहसान कभी कोई चुका सकता है? आस्था, तुम अपने गुस्से में देख नहीं पा रही हो कि तुम कितनी बड़ी ज्यादती कर रही हो। कब पता चला कि तुम्हारी माँ कौन है? सिमरन आंटी का प्यार तुम्हारे लिए कम तो नहीं हुआ ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, नहीं समझोगे तुम। जब 18 साल बाद अपनी सच्चाई पता चलती है ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ आस्था कि शेट आप नहीं, मैं यहां अपनी मामा को ढूंढने आई हूं, जिनके बारे में मुझे भी 18 साल बाद पता चला, तुम्हारी तरह जिन्होंने 20 साल
साल तक मुझे अपनी बेटी से बढ़कर पाला, उन्हें छोड़कर नहीं आई हूँ यहाँ। I am proud of my mother. I don't hate her. मम्मा से मैंने 2 महीने की इजाजत ली है, अपनी तलाश पूरी होते ही वापस लौट जाऊंगी। ये तो मेरी बात हुई आस्था, पर तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? पता नहीं। ये कोई जवाब नहीं हुआ आस्था। Just think and tell us, कब तक तुम यहाँ पे ऐसे रहोगी? क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम? That you love your mother or you hate Simran aunty? Do you really hate her? कितनी selfish हो आस्था तुम, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। जिन्होंने तुम्हें इतने साल तक पाला बड़ा, क्या उनसे कोई रिश्ता नहीं रह गया तुम्हारा? किससे भाग कर रही हो तुम यहाँ पे, सिमरन आंटी से या सच्चाई से? क्या इतनी कमजोर हो तुम कि सच्चाई का सामना नहीं कर सकती? मुश्किलें हैं तो उसके रास्ते भी हैं। खून के रिश्ते तलाश रही हो ना, तो दादा तो तुम्हारे अपने, उनके पास क्यों नहीं गई? और यहाँ बैठ के तुम क्या हासिल कर लोगी? बदला किससे ले रही हो आस्था, अपनी जिंदगी से? आस्था अपने आप को इस नेगेटिव सोच से निकालो प्लीज। आस्था उनके पास वापस चलो जो तुमसे प्यार करते हैं। ओके मैं जाऊंगी, लेकिन मामा के पास नहीं। ओके एटलीस्ट तो मुंबई तो चलो। हाँ मैं चलूंगी, मैं जरूर चलूंगी मुंबई। हेलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बोलो। तुम्हें बताने के लिए फोन किया कि मैं नासिक जा रहा हूँ। अच्छा, ये तुमने कैसे तय कर लिया? मुझे जाना ही होगा भवानी, और सिर्फ तुम्हें बताकर जा रहा हूँ, किसी और को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। वैसे एक बात कहूँ गुरु, बहुत सही फैसला किया है तुमने, तो फिर साथ ही चलते हैं, ठीक है? ओके। आस्था! आस्था!